नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम 2022 बजाज डोमिना 400 का फिनेंस स्कीम बताने जा रहे हैं। तो इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, लगभग 70,000 डाउन पेमेंट पे आपका मंथली कितना ईएमआई आने वाला है, 1,00,000 डाउन पेमेंट पे आपका मंथली कितना ईएमआई आने वाला है, और एकदम जो लोएस्ट डाउन पेमेंट है वो भी मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, किस बाइक को डाउन पेमेंट पे लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बजाज का हर प्रोडक्ट विद टेस्ट राइट के साथ मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो फाइनेंस स्कीम मैं आज आपको बताऊंगा ये ऑल आर IDFC फर्स्ट बैंक का फाइनेंस स्कीम। तो ये जो लोएस्ट डाउन पेमेंट है इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। एकदम जो मिनिमम डाउन पेमेंट है ये सबके लिए, कोई भी बंदा जो है इसको फाइनेंस पे ले सकते हैं, लेकिन उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको ये पहले फाइनेंस स्कीम बता देता हूँ, उसके बाद जो है इसका टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एकदम लोएस्ट डाउन पेमेंट जो है वो है 43,110 रुपीज़। आप अगर अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट कर देते हो तो कोई भी बंदा जो है इस बाइक को फाइनेंस पे ले सकते हैं। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका इलेक्ट्रिक जो बिल है वो लगेगा, और उससे भी मेन चीज़ जो है आपका लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। जब आप इस बाइक को फाइनेंस पे लेते हो तब लगेगा। तो ये दो चीज़ आप अगर दे देते हो तो आपका मैक्सिमम चांसेस जो है आपको 43,000 डाउन पेमेंट पे ये बाइक मिल सकता है। विथ सिविल के साथ तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, विदाउट सिविल भी अगर है तो आप ये दो चीज़ आप दे सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल और लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको ये जो है 43,000 डाउन पेमेंट पे मिल सकता है। ये 43,000 आप अगर अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली जो ईएमआई आने वाला है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 साल के लिए आपका मंथली ईएमआई आएगा 8,440 रुपया करके, 8,440 रुपीज़ करके, अप्रोक्स 36 महीने के लिए हर महीने ईएमआई आने वाला है। और आप अगर 48 महीने के लिए लेंगे, 48 महीने के लिए लेंगे, मतलब 4 साल के लिए आप अगर लेंगे तो 6,817 रुपया के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपको हर महीने ईएमआई आने वाला है, 6,870 रुपीज़ अप्रोक्स। और ये जो हो गया एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट। आप अगर लगभग 70,000 डाउन पेमेंट कर देते हो, आप अगर लगभग 70,000 के आसपास डाउन पेमेंट करते हो, उसके रिगार्डिंग आपको जो मंथली ईएमआई आने वाला है वो है 36 महीने के लिए आपको मंथली ईएमआई आएगा 7,474 रुपया, लगभग 7,474 रुपीस अप्रोक्स 36 महीना यानी 3 साल के लिए हर महीने ईएमआई आने वाला है। और आप अगर 48 महीने यानी 4 साल के लिए लेंगे तो 6,036 रुपया के आसपास आपको हर महीने ईएमआई आने वाला है, 6,000 के आसपास आपको हर महीना ईएमआई आने वाला है। और आप अगर अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 डाउन पेमेंट कर देते हो इस बाइक को लेने के लिए। अच्छा, और एक चीज़ जो है मैं आपको मेंशन करना भूल गया, ये जो फिनेंस की मैं आप लोगों के साथ शेयर किया ऑल आर 9.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको देखने को मिल सकता है। और आपको अगर लगभग 7.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर चाहिए, उसके लिए आपको 1,75,000 इसका डाउन पेमेंट कर देना पड़ेगा। बाइक का प्राइस है, ऑन रोड प्राइस है 2,75,000। तो 2,75,000 में आपको ऑन रोड कोलकाता डोमिना 400 देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर 7.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको 1,75,000 जो है डाउन पेमेंट कर देना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से कोई फिनेंस स्कीम नहीं बनाया, बस आपको डाउन पेमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 1,75,000 आप अगर डाउन पेमेंट कर देते हो तो आपको 7.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगा ये भाई। और मैं जो मैं आपको फिनेंस स्कीम बताया हूँ और रिसेंटली जो बताने जा रहा हूँ, ये ऑल हर 9.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। वो जो मिनिमम डाउन पेमेंट है 43,000 वो भी आपको 9.99% में ही देखने को मिलेगा। जो 70,000 डाउन पेमेंट है वो भी आपको 9.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देखने को मिलेगा। और अभी जो बताने जा रहा हूँ 1,20,000 वो भी आपको 9.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देखने को मिलेगा। तो आप अगर 1,20,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली डाउन पेमेंट करते हो तो आपका मंथली जो ईएमआई आने वाला है 2 साल और 3 साल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल के लिए आपको 7,850 रुपया के आसपास हर महीने ईएमआई आने वाला है, 7,849 रुपीज़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपको 2 साल के लिए हर महीने ईएमआई आने वाला है 24 महीने तक। और आप अगर लगभग 3 साल के लिए लेंगे यानी 36 महीने के लिए लेंगे तो 5,669 रुपीज़, ऑलमोस्ट आपको 5,670 रुपया के आसपास 3 साल के लिए हर महीना ईएमआई आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, सेम है,
9.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा। चेक या फिर ATM कार्ड कैरी कर सकते हो, जो डेबिट कार्ड होता है वो आप कैरी कर सकते हो। और फोटो भी आप 1-2 कॉपी कैरी जरूर कर लेना। और बाकी ये जो जो फिनेंस स्कीम मैं आप लोगों के साथ शेयर किया आज, ये ऑल आर IDFC फर्स्ट बैंक का फिनेंस स्कीम। बाकी इसको छोड़ के आपको अगर और कोई भी फिनेंस स्कीम चाहिए तो आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले तो डेफिनेटली रोल्टा बजाज कोलकाता में कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अगर बाहर का स्टेट से हो, बिहार, हरियाणा, झारखंड, मुंबई, दूसरा स्टेट से आप अगर हो तो आपका नियरेस्ट जो बजाज का शोरूम है वहाँ पे आप जरूर कॉन्टैक्ट करो। तो और इसका डिटेल वॉक अराउंड आप लोग अगर नहीं देखे तो आई बटन से लिंक आ रहा है, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको और कोई भी बाइक का अगर फिनेंस स्कीम देखना है, जानना है तो आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो आपको कौन सा बाइक का फिनेंस स्कीम जानना है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टाटा।